हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता गर्ब्याल व्लॉग। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। मेरी बेटी टिया का जो बुक्स रखने का कबड़ है, मैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से मैं उसको रखती हूँ, उसके सामानों को, मैं वो सब आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप लोग आगे वीडियो एंजॉय करिए। चलिए, तो जो अभी कबड़ की हालत है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इस तरह से देखिए अभी सारा उथल पुथल, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो सारे देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब हो रखा है। तो मैं इसको मतलब महीने में मुझे दो बार तो सेट करना ही पड़ता है। वो भी हेल्प करती है, उससे मैं खुद कराती हूँ, टिया से ना मैं खुद कराती हूँ। तो अभी तो मैंने कहा चलो आप लोग को शूट करना है तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन वो भी करती है मेरे साथ साथ। मैं उसको बिठाती हूँ तो करती है, इसको ऐसे रखो करके ना, और बच्चों को करवाना भी चाहिए। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। ये अभी तो इस हालत में है उसका कबड़। तो सबसे पहले तो जो है थोड़ा सा इसको साफ कर लूँ बाहर से, क्योंकि और ये साफ़ करने के लिए ना ये जो ऐसे वाले रुमाल आता है ना हैंकी, ये सही रहता है। देखिए बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। बाहर ना दाग दाग सा हो ही जाता है। तो शीट वीट लगाए थे तो सारा पोछूंगी। सबसे पहले तो सारा सामान निकाल लूंगी, स्टोरी बॉक्स, ये सब, इसका पर्स। मैंने बोला इसको वहाँ अपने कबर्ड में रख, बुक्स वाले में नहीं, यहीं रखना है भैया, यहीं रखना है। क्या है ना गर्ल्स का, देखो जब हम छोटे होते थे ना ढक्कन खुला होता था, हम कहते थे अरे इसमें से हवा चला जाएगा, ये फिर लाइट लिखेगा, ऐसे बोलते थे। बोलते थे आप लोग? फटाफट से रखती हूँ सामान को। ये टेबल लर्न करने का ना, ये इस तरह से कोई भी कलर्ड पेपर ये सब होता ना, और वो शीट ऐसे चिपका के, और ये ऐसे ना लेटते समय बैठे बैठे पकड़ा दो, ऐसा भी होता है। ये पेंसिल बॉक्स, यहीं पे रखना है बोला, इसको यहीं रख दूंगी फिर, नहीं तो मैं तो देखिए कोई ऐसे ऑर्गेनाइजर वगैरह कुछ खरीदते नहीं हूँ। अब ये खाली मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी में मैं सारे अभी तक तो वैसे इसमें था, तो ये भी बुरा नहीं है, ये भी चल ही रहा था ठीक ठाक। तो अभी ये था मेरे पास, तो सारे स्केच पेन वगैरह इसमें डाल दिए। ये देखिए स्केच पेन सारे आ गए इसमें, ऐसे है ना, इसमें रख दिया। ये देखिए बढ़िया करके रख दो, और ऐसी एक और बॉक्स है, ऐसे पड़े अच्छे रहते हैं ये वाले डब्बे। देखे इनमें रख लूँ क्या हो रहा है। वैसे तो लेने को तो ऑर्गेनाइजर मैं ले सकती हूँ, लेकिन जब ऐसे चल रहा है, ये जैसे इरेजर हो गए पैकेट मैंने खोले नहीं है,
और ये छोटे मोटे जैसे इरेजर हो, ये यूज एक दो बार किया फिर रखा है इसने, ये छोटी छोटी चीजें ये सब रखती है ये। तो सारे इरेजर मैंने ऐसे करके ऐसे रख दो, बढ़िया चल जाता है साफ करके, थोड़ा सा पोलिन डाल के। और ये अभी स्कूल में ना इसका विंटर कार्निवल था, मम्मा मुझे लेना है कह रही है, चलो ले लो। अच्छा और ये मैंने ऐसे पहले चलते थे ना ऐसे बर्थडे वगैरह में रिटर्न गिफ्ट में ऐसे कप मिलते थे, अब तो ऐसे लोग मतलब मेलामाइन के उसमें नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक या जो भी इस तरह के मेलामाइन में यूज़ नहीं करते, तो फिर अच्छा इसका ये था तो मैंने फेंका नहीं। तो इसमें देखें फेविकोल हो गया, सीजर हो गए, और ये वाले सीजर, ये सीजर ना जब मैं बीएड कर रही थी तो उसमें हम लोग को कटिंग उसमें पेपर चार्ट पेपर कटिंग करना पड़ता था, तो अब इसके काम आता है तो मैंने ऐसे रख दिए इसके, ये अलग अलग मतलब पेपर ना काटते समय उसमें डिज़ाइन बन जाते हैं जैसे सीजर में ऐसे हो गए। और ये पेंसिल, नए पेंसिल है सारे, तो उसको मैं ऐसे रबर से बांध के रख देती हूँ, और ये फेविकोल हो गया ऐसे ऐसे इस तरह के बॉक्स में ना, इस तरह के बॉक्स में कप और ये कप के अंदर सारे सामान रख दिए मैंने, तो सीजर वगैरह हिलेंगे भी नहीं, दिख रहे आपको कैंची वगैरह कुछ नहीं हिलेगा, वो वैसे ही रहेगा ये। और इसमें एक्स्ट्रा स्केच पेन वगैरह हो गए, अब जो थे ये नए नए हैं, जैसे अभी कभी होता ना स्कूल का कुछ करना होता तो उसमें थोड़ा सा पतले रहो, नहीं तो अदरवाइज जो ये लोग पट्टियाँ यूज़ कर करके उसका नोक इतना मोटा कर देती है, तो ये वाले कुछ सेट ऐसे रखने पड़ते हैं, ये हो गए। और इसमें देखे बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट, मालूम ही होगा आप लोगों को जिनके छोटे बच्चे हैं फिर क्लास थर्ड फोर्थ तक के स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ कुछ यही होता है, ये ऐसे छोटे छोटे बॉल्स। और ये मैंने तो ये भी रखे हुए देखे, ये राखी होता ना, तो ये कभी कुछ किस चीज़ में लगाने के लिए, ये लेस वगैरह हो गए, रिबन ना रिबन, तो ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्स डिब्बे, ये भी पता नहीं किस चीज़ का चूरन होता है ना, चूरन का बॉक्स है ऐसे। और ये इसमें रखती हूँ मैं ये ऐसे मिरर, ये ऐसे, ये सारे चाहिए इस तरह के छोटे से बॉक्स में। ये भी किस चीज़ का बॉक्स है मालूम है, वो कुछ इसमें रबर इरेजर कुछ आता है, ऐसे रख लिए। एक ये हो गया और एक ये बॉक्स दूसरे में मैंने इस तरह के फेंकते नहीं, ऐसे काम आ जाते हैं छोटे छोटे बॉक्स यही चीज़ रखने के लिए। और ये वाले बॉक्स पता है बहुत यूज़फुल है, जैसे बच्चों का जब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट होता है तो मैं इसी में डाल देती हूँ। अब ये गुगली आइज वगैरह हो गए, ये सब चाहिए होता है ना, और ये फर कलर्ड फर, ये सब कुछ ना कुछ चाहिए रहता, तो फिर ये सब जो है मैं ऐसे छोटे छोटे में रख देती हूँ। अब इसमें रख के अब बस देखिए मैं ऐसे डिब्बे में रख दिया, पोंछ दिया एक दो बार, इसको भी साफ कर देती हूँ, गंदा हो ही जाता है, बच्चे छूते हैं ना, दाग वाग लग ही जाता है ऐसे। अब ये बुक्स रखूंगी छोटों की,
और इसमें ना ये सारे नए नोटबुक्स हैं, तो इसको मैं इसी पन्नी में ही बने रहने देती हूँ। और ये सारे यूज है नोटबुक जो इसके स्कूल के हो गए, ऐसे डाल देती हूँ। और ये तो इंग्लिश के वर्कशीट है। ये पेंसिल बॉक्स था, इसको रिटर्न गिफ्ट में मिला था, इसका जिप निकल गया, लगाना है। और मैं ऐसे करके रखती हूँ। देखिए पहले टाइम में ऐसे कपड़े जब हम शॉप में गए, कपड़े ड्रेस लेने जाते थे, ऐसे डिब्बे में आते ना, पर आजकल तो ऐसे डिब्बियों में मुझे मतलब नहीं लगता कि लोग शायद या तो मॉल से लेते हैं या ऑनलाइन हो गया, तो उसमें तो पैकेट वैसे पन्नी में आते हैं। तो मैं ना ऐसे डिब्बे में रखती थी, फेंकती नहीं थी। तो इसमें जैसे ये ड्राइंग के ड्राइंग फाइल वगैरह हो गए पुराने जो कर चुकी है, और ये A4 शीट कलर शीट ये चाहिए रहता है, और ये कुछ कुछ चिपकाने के हैं। ये मिरर में ना लेके आती हूँ, तो मैं एक बार में ही सदर से लेके आती हूँ सारे, तो यूज़ कर करके अभी इसमें पैकेट बचे, और लूज में मैंने पहले डिब्बे में डाल के रखा है ना, हाँ वो है। और इसमें तो वही चीज़ रखे हैं मैंने, सारे A4 शीट ही रखे हैं, और एक दो फाइल वगैरह। ये इसमें ऐसे रखा हुआ है, और इस वाले में ये भी कैसा है देखिए। तो उसको बोल दो ना डर्टी आंखों की, बेटा इसमें आपके मतलब का नहीं है, इसको मैं छूना, तो नहीं छूती है, मतलब ऐसा नहीं करती है कि अरे मतलब सामान हो। और एक्स्ट्रा ये कलर ऐसे रखना पड़ता है बच्चों का, ये भी कलर्ड है। तो इसमें सारे मेरे एक्स्ट्रा मैं ऐसे बॉक्स में डाल देती हूँ, ऊपर पर रखूँगी तो बच्चे करेंगे शैताने, खेलेंगे वो करेंगे। और ये सारे इसके नीचे कटिंग्स वाले हैं, जैसे ईवीएस में हो गया आपका, इसमें ना तो इस तरह से कटिंग करके रखे हुए मैंने, कभी भी जैसे ऐसे कटिंग्स वाले नहीं आते पिक्चर्स वगैरह, तो ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ मैं। तो ये इजी भी रहता, और इसमें सारे फोल्डर्स जो एक्स्ट्रा फोल्डर है सारे इसमें डाल देती हूँ, फिर कभी जैसे कुछ डालना हो स्कूल में तो इस फोल्डर में भेज देती हूँ। और ये तो कलर है इसका, इसी में रहता है। और देखिए कितना, कुछ भी टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट भी नहीं लगा ये सब सेट करने में, हो गया सेट अच्छे से। अब देखिए पहले कैसे था, अब मैंने सब सेट कर दिया, कुछ भी टाइम नहीं लगा। एक छोटे से कबर्ड को मतलब आप किस तरह से रख सकते हो, देखा ही है आपने। इसमें एक्स्ट्रा इरेजर वगैरह है, इसमें स्केच पेन, शार्पनर, और बाकी इसमें मैंने बताया था आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा ये उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान है, और ये सीज़र वगैरह हो गए, फेविकॉल, देखिए ऐसे करने में भी गिरेगा नहीं क्योंकि मैंने उसमें कप में फंसा रखा है, ये हो गया। और ये तो उसने बोला कि यहीं रखना है, और ये पेंसिल बॉक्स मैं ज़्यादा ऐसे भी नहीं ख़रीदती हूँ, उसके पेंसिल बॉक्स मैं लिमिटेड ही, ज़्यादा आलतू फालतू खर्च नहीं करती,
इन चीज़ों में। जब उसको लगता है, मन भर जाता है, वो चेंज करती है। फिर एक दो मैंने और कबड़ में रखे उधर दो ना, नहीं तो फिर बच्चे होता ही है, वो लोग वो करते हैं। और ये इसके स्टोरी बुक्स हो गए, उसको स्कूल के ये सारे वो स्कूल के बुक्स, और ये तो दिखाया था मैंने रफ नोटबुक, डायरी वायरी, और ये नीचे अभी जो मैंने ये 4 साइज के शीट और कटिंग वाले थे, और ये प्रेस इधर रखा है मैंने। फटाफट लगाना हो ना इसका यूनिफॉर्म वगैरह, फट से लगाती हूँ। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज हो गया, देखिए छोटा सा कबर्ड है, ठीक है उसके लिए, इतना सा कबर्ड, उसके सारे चीज़ आ जाते हैं इसमें। तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि बेटा ऐसे रखो, तो वो रखती है। फिर बच्चे वे यार कुछ टाइम बाद वो फिर खेलते ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और हाँ, अगर किसी को वीडियोस मतलब कुछ नया कुछ ऐसा चाहते हैं कि किचन से रिलेटेड या फिर बालकनी या डेकोरेशन या कुछ भी, अगर ऐसा किसी को लगता है कि मैं वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।